कई जगह शहर के बाईपास बनेंगे, बहुत एक सोचे समझे तरीके से, बहुत ही मेटिकुलस डिटेल्ड वर्किंग की गई है किलोमीटर बाय किलोमीटर, देश में कैसी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा डिजाइन करके आज 3 कॉरिडोर बजट में अनाउंस हुए हैं। एक कॉरिडोर एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर है, दूसरा रेल सागर है जिसमें पोर्ट्स के साथ जितने बंदरगाह है उनसे कनेक्टिविटी होगी, और तीसरा जो चतुर्भुज वाली शेप में रेलवे का नेटवर्क है उसको 4 लेनिंग 5 लेनिंग 6 लेनिंग करना। अब मैं स्टेट स्पेसिफिक बात करूंगा। पहले आप देखें गुजरात को 2009 से 2014 यूपीए की जब सरकार थी बिल्कुल सौतेला व्यवहार होता था, बिल्कुल अवहेलना होती थी, बिल्कुल अनदेखी कर देते थे, इग्नोर कर देते थे। केंद्र सरकार की तरफ से रेलवे का मात्र 589 करोड़ रुपीस देते थे रेलवे के एलोकेशन में। इतने बड़े प्रदेश में, इतने इम्पोर्टेंट प्रदेश में 589 किलोमीटर काम भी उतना ही होता था, 132 किलोमीटर के आसपास साल में काम होता था। आज मोदी जी ने बजट में गुजरात को 8587 और काम भी आप देख ही रहे हैं फील्ड में, तो आप देखते ही हैं काम भी जहां 132 किलोमीटर होता था अब 701 किलोमीटर का काम हो रहा है गुजरात में 701। इलेक्ट्रिफिकेशन 97% हो गया है, विद्युतीकरण 87 स्टेशंस को डेवलप किया जा रहा है अमृत स्टेशन के हिसाब से, 87 स्टेशंस। टोटल इन्वेस्टमेंट गुजरात में आ रहा है 30,789 करोड़। पिछले 10 वर्षों में 856 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बने। स्टेशंस का काम बहुत तेजी से चल रहा है, आपने देखा होगा सूरत स्टेशन पे जिस तेजी से काम चल रहा है, बड़ौदा में काम चल रहा है, अहमदाबाद में काम स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारा प्री कंस्ट्रक्शन काम हो गया, सोमनाथ में काम चल रहा है, करीब करीब पूरे स्टेट में सब जगह काम बहुत तेजी से चल रहा है। और लोकल जो हैंडीक्राफ्ट और लोकल प्रोडक्ट्स है उसके लिए 28 स्टॉल्स है, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट में। साथ ही साथ बुलेट ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है, 272 किलोमीटर का काम हो गया है, नहीं 280 हो गया सॉरी 280 किलोमीटर का काम हो गया है और अच्छा एक प्रोग्रेस है। फ्रेट कॉरिडोर का काम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, करीब करीब कंप्लीट होने को आया, बहुत जल्दी माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट को एक साथ जोड़ेंगे। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।